नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने हो गए हैं, पर इस युद्ध का कोई अंत अब नजर नहीं आ रहा है। और इसी बीच युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु मिसाइल सरमत को तैनात करने की तैयारी में है और खबर है कि वो जल्द ही इस मिसाइल की तैनाती कर सकते हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाता है और इसलिए पुतिन इस मौके पर यूक्रेन की जीत का ऐलान करना चाहते हैं। अपने इस मिशन के लिए रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल सरमत को जल्द ही तैनात करने के लिए कह दिया गया है और ये मिसाइल अमेरिका तक परमाणु हमले करने में सक्षम है। खास बात यह है कि ये मिसाइल एक बार में 10 या उससे ज्यादा परमाणु बम एक बार में ले जा सकती है। और इस खबर के आने के बाद परमाणु युद्ध के जोखिम को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। तो सरमत की तैनाती की जाएगी ये कहा जा रहा है और इससे पहले भी लगातार आशंकाएं लगाई जा रही थी कि आखिर परमाणु युद्ध ना छिड़ जाए और एक बार फिर से पूरी दुनिया को उसकी चिंता सता रही है। और वहीं पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को अंजाम देख लिया है और पुतिन के आदेश पर अब जल्द इसकी तैनाती होने वाली है। और यह मिसाइल 16,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है, यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो यह अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। और इस मिसाइल टेस्ट के बारे में पुतिन ने कहा है कि जो रूस के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये मिसाइल उनको सोचने पर मजबूर करेगी। पुतिन ने फिर बढ़ाई बाइडेन की टेंशन। सबसे घातक मिसाइल टेस्ट से कांप उठा यूरोप। न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन बचेगा और न ऑस्ट्रेलिया, और ना ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीर पेश की है वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। नाम सरमत उर्फ साटन 2, टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर, रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया की तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले यह मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सैटर्न 2 का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। पूरे 2 महीने होने को आए हैं लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। आशंकाएं परमाणु युद्ध छिड़ने के जताई जा रही हैं। और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सैटर्न 2 मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. Рус пар хамле ки дхамки дене вали аб ду бар соченге. Путин ка я дава юн хи нахи хе. Балки ис даве ке пиче Intercontinental Ballistic Missile Saturn 2 ки во таакат хе, чо дуния ме се сабсе ghatak хатьяр ки пехчан дилати хе. करीब 18,000 किलोमीटर की
मारक क्षमता वाली सैटर्न 2 के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब करीब तमाम मुल्क आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। जिस वक्त सैटर्न 2 का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सैटर्न 2 का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Яни тест ми Сатурн 2 की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी। पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल के टेस्ट से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उसके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। हालांकि इस मिसाइल टेस्ट को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का ये बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। और पुतिन की इस घातक मिसाइल को आखिर किस तकनीक से लैस किया गया है, क्या इसकी डिजाइनिंग है, इसके बारे में सीधे आपको बताएंगे रवि। पुतिन की इस घातक मिसाइल की तकनीक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक बार में अपने टारगेट को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देती है। इसकी लॉन्चिंग और टारगेट पर हमला अलग अलग चरणों में होता है। कैसे होता है हम आपको समझाते हैं। इसमें पहला चरण है मिसाइल की लॉन्चिंग, दूसरे चरण में यह मिसाइल अपने फ्यूल टैंक से अलग होती है, यानी इसका वॉरहेड कैप्सूल फ्यूल टैंक से अलग हो जाता है, और तीसरे चरण में वॉर करने के लिए यह मिसाइल खुद को तैयार करती है, और इसके लिए इसके वॉरहेड पर लगा कवर इससे बिल्कुल अलग हो जाता है। चौथे चरण में मिसाइल का वॉरहेड हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और यह तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। पांचवा और आखिरी चरण टारगेट पर अटैक। खास बात यह है कि इसके वॉरहेड के अंदर मल्टीपल वॉरहेड होते हैं जो टारगेट पर गिरने से पहले अलग अलग होकर बिखर जाते हैं और अपने टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये वॉरहेड न्यूक्लियर हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। अब सोचिए कोई ऐसी मिसाइल जिसे कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट ना कर पाए और वो न्यूक्लियर हथियार से लैस हो, वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। और अब आपको दिखाते हैं कि 18,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब क्या है। अगर पुतिन की यह मिसाइल सैटर्न 18,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है तो दुनिया के कौन कौन से देश इसकी जद में आएंगे। रूस से अमेरिका की हवाई, आपको बता दें हवाई दूरी 7,800 किलोमीटर है, यानी रूस इस मिसाइल के जरिए अब चाहे अमेरिका पर भी जब चाहे वार कर सकता है। इसके अलावा रूस से ब्रिटेन की दूरी 2,900 किलोमीटर है, यानी ब्रिटेन भी इस रूसी मिसाइल की जद में आता है। यही नहीं, रूस से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया को भी सैटर्न मिसाइल अपना निशाना बना सकती है। रूस से ऑस्ट्रेलिया की हवाई दूरी 14,400 किलोमीटर है, जबकि सैटर्न की रेंज 18,000 किलोमीटर है। रूस ने अपने 31 दुश्मन देशों की जो लिस्ट जारी की थी उनमें जापान का नाम भी है, और जापान की रूस से दूरी है 7,400 किलोमीटर, यानी यह भी सैटर्न की रेंज में है। कनाडा जो रूस से करीब 7,000 किलोमीटर दूर है, वो भी सैटर्न की रेंज में आता है। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया है। यूक्रेन के 8 इलाकों को मुक्त कराया गया है रूस के कब्जे से। इन इलाकों को मुक्त कराया गया है क्योंकि यहां पर रूसी कब्जा हो चला था, लेकिन अब फिर से एक बार यूक्रेन की सेना ने वहां पर अपनी पैठ बना ली है। खेरसोन के ऐसे 8 इलाके हैं जिन पर रूसी सेना के कब्जे को हटाया गया है यूक्रेन की सेना द्वारा, यानी कि यूक्रेन का पलटवार इसको माना जा सकता है। यूक्रेन की ओर से जवाबी कार्रवाई इसको मानी जा सकती है क्योंकि लगातार खेरसोन का वो इलाका और तमाम ऐसे क्षेत्र खेरसोन के जिस पर रूस ने कब्जा जमा लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से खबर ये सामने आ रही है कि वहां पर यूक्रेन ने अपना कब्जा वापस ले लिया है। खेरसोन के तमाम ऐसे इलाके थे, कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर भीषण तबाही लगातार रूस की सेना की ओर से की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से इन तमाम क्षेत्रों को वापस यूक्रेन ने अपने कब्जे में कर लिया है।
और यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी हमलों की तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। खार्किव, मारियुपोल समेत कई शहरों में इमारतें तबाह हो गई हैं और अब यूक्रेन के रेस्क्यू दल तबाही हुई इमारतों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर फंसे हुए लोगों की जान बचाकर वहां से उनको निकालने का काम कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से समझा जा सकता है वहां पर क्या तबाही देखने को मिली है। तबाही की कहानी बयां करती हुई तस्वीरें साफ है, क्योंकि ये ऐसी इमारतें हैं जिन पर कभी लोग रहा करते थे और अब भी जब इन पर हमले किए गए उस वक्त भी इसमें कई सारे लोग फंसे रह गए थे। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से किया जा रहा है आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये रेस्क्यू टीम्स इस वक्त वहां पर पहुंची हुई हैं और तमाम लोग जो वहां पर उस वक्त फंसे हुए थे जब इन पर हमला हुआ था, इनको आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। लेकिन अब भी 2 महीने हो गए हैं और तबाही की जो जंग थी वो अभी लगातार जारी है। खंडहरों में कई चीजें तब्दील हो गई हैं। और यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो गए हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई सारी जगहों पर जबरदस्त हमले लगातार कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं जिन पर रूस पूरी तरह से अपना झंडा लहराना चाहता है। फिलहाल रूस ने मारियुपोल पर कब्जे का दावा किया है और ऐसे हम मैप के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से इलाके हैं जिस पर सबसे ज्यादा भीषण जंग इस वक्त चल रही है। ये नक्शा आप देख लीजिए, जो सफेद रंग का यूक्रेन का नक्शा है और ये तमाम क्षेत्र जो चिन्हित किए गए हैं, खार्किव, इज्यूम और साथ साथ स्लोवियांस्क, पेपरसना, मारियुपोल, डोनेस्क, सेवरोडोनेस्क, रुबीजा, ये तमाम ऐसे शहर हैं जिन पर लगातार जो रूस के कब्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और खासियत इन क्षेत्रों की यही है कि रूस की सीमा से ये लगते हैं, इसलिए बेहद आसान है रूसी सेना का यहाँ पर घुसपैठ करना। इसी वजह से रूस की जो विस्तारवाद वाली सोच वो ये कहती है कि जो आसपास के इलाके हैं सबसे पहले उन पर कब्जा जमाया जाए, क्योंकि अगर इन क्षेत्रों पर कब्जा जमा लिया जाएगा तो उसके बाद रूस के लिए बेहद आसान हो जाएगा इस ओर आना, यानी कि पश्चिम की ओर बढ़ना, जो मिडिल यूक्रेन है उसकी ओर आगे बढ़ना रूस के लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसी वजह से वो अपने लगे हुए क्षेत्रों को ही लगातार वहां पर कब्जा करने की रूस में। लेकिन फिलहाल रूस ने मारियुपोल पर कब्जे का दावा किया है और इस बीच रूस ने दूसरे कई सारे मोर्चों पर भी जंग तेज कर दी और पिछले कई दिनों से खार्किव, इज्यूम, स्लोवियांस्क और पेपरसोना में हमले तेज कर दिए गए हैं। और इस बीच रुबीजेना, सेवरोडोनेस्क, डोनेस्क, मारियुपोल और खेरसोन में भी रूसी हमले तेज हो गए हैं। हमले से बचना नामुमकिन है, जिनके अचूक वार का कोई सानी नहीं, जो रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी ताकत, ऐसे ही हथियारों का जखीरा है जिसने पुतिन की रातों की नींद उड़ा रखी है। खुद दुनिया की सबसे ताकतवर वॉर मशीन रखने वाले पुतिन आखिर क्यों यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रहे? इसे समझने के लिए हमें उस यूक्रेन के रक्षा कवच को समझना होगा जिसे एक साथ खुद कई देशों ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका, यूरोप और नेटो, ये यूक्रेन के लिए एक ऐसी ताकत हैं जिसने अभी तक पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन को न सिर्फ युद्ध में बनाए रखा है बल्कि इन्हीं देशों से मिले हथियारों की बदौलत रूस को लगातार बड़ी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ब्रिमस्टोन नाम के इस मिसाइल के मिलने के बाद युद्ध ज्यादा होती है। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायु सेनाओं के बेड़े में ये मिसाइलें मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को 18 हॉविट्ज़र तोपें देगी। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस अब और भी घातक हमले की तैयारी में जुटा है और इसी खतरे से निपटने के लिए उसने यूक्रेन को ये तोपें देने का फैसला किया है। दावा है कि पुतिन की सेना अब पूर्वी यूक्रेन में और भी भीषण
हमले करने जा रही है। ऐसे में बाइडेन ने पुतिन के प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली। इसी इरादे से उन्होंने ज़ेलेंस्की सरकार को 18 हाउइट्ज़र देने वाले फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। On the howitzers specifically, I think that you'll see them move very, very soon. यानी अब ये तोप जल्द यूक्रेन में रूसी सेना के सामने गरजती दिखाई देंगी। माना जा रहा है कि हाउइट्ज़र की नई खेप मिलने से ज़ेलेंस्की के सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा, लेकिन रूस का समर्थन कर रहे चीन को यही बात चुभ गई है, क्योंकि हाउइट्ज़र के सामने दुश्मन का टिक पाना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है हाउइट्ज़र की खूबियां। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस तोप से 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही ये 5 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। इसलिए अमेरिका की इस मदद पर चीन ये दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। असल में अमेरिका इस जंग के शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि चीन के यूएन प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन में अधिक हथियार भेजने से शांति नहीं आएगी। और अभी तक रूस ये मानने को तैयार नहीं था कि काला सागर में तैनात उसके जंगी जहाज की तबाही की असल वजह क्या है। रूस ये भी नहीं मानने को तैयार था कि उसे मोस्क्वा नाम के जंगी जहाज के डूबने से कितना नुकसान हुआ, लेकिन अब रूस ने ये कबूल कर लिया है कि आखिर मोस्क्वा के डूबने से उसे कितना बड़ा झटका लगा है। और रूस अब ये भी कबूल कर रहा है कि आखिर मोस्क्वा की बर्बादी की असल वजह क्या थी। सबसे बड़ा कबूलनामा, जंगी जहाज की तबाही का सबसे बड़ा सच। काला सागर में यूक्रेन के काल की अंत कथा। रूस के कबूलनामे में कितना सच, कितनी साजिश। ये रूस की रक्षा पंक्ति का वही जहाज है जिसकी तबाही ने पुतिन का पारा हाई कर दिया। ये काला सागर में यूक्रेन का वही काल है जो महज तस्वीरों का हिस्सा बनकर रह गया है। ये रूस का वही रक्षक है जिसके अंत की पटकथा लिखने का दावा खुद यूक्रेन ने किया था। ये वही मोस्क्वा है जिसकी बदौलत रूस ने काला सागर में मौत का चक्रव्यूह बिछा रखा है। लेकिन इसी जहाज की तबाही रूस के गले की फांस बन गई। अभी तक न रूस इसकी तबाही का सच कबूल कर पा रहा था और न ही रूस ये बताने को तैयार था कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने मोस्क्वा को समंदर की गहराइयों में धकेल दिया। लेकिन कहावत है कि सच कभी नहीं छिपता, उसे लाख छिपाने की कोशिश की जाए वो बाहर आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार रूस के साथ हुआ है। जिस सच को कबूल करने से रूस लगातार बच रहा था, अब वही सच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कबूल कर लिया है। रूस ने पहली बार माना है कि 13 अप्रैल को तबाह हुए युद्धपोत में उसके एक सैनिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। रूस ने पहली बार माना है कि मोस्क्वा की तबाही के बाद से उसके 27 सैनिक लापता हो गए। रूस ने पहली बार माना है कि उसने युद्धपोत से 396 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। इस दौरान रूस ने जो सबसे बड़ा सच कबूला है वो हैरान करने वाला है, क्योंकि इस बार रूस ने ये मान लिया है कि यूक्रेन के मिसाइल हमले से ही मोस्क्वा तबाह हुआ। लेकिन अभी तक रूस यही कबूल करने से बच रहा था। रूस दुनिया को
ये नहीं बता रहा था कि उसे न तो मॉस्कवा के डूबने से बड़ा नुकसान हुआ और न ही यूक्रेन के हमले में जंगी जहाज तबाह हुआ, जबकि यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी दो नेपच्यून मिसाइलें मॉस्कवा की तबाही की वजह बनी थी। हालांकि रूस ने कहा था कि आग लगने के बाद जहाज डूब गया। रूस ने जानकारी दी थी कि आग लगने के चलते जहाज पर रखे गोला बारूदों में विस्फोट हो गया था। रूस ने यह भी बताया था कि मॉस्कवा के पूरे चालक दल को विस्फोट होने के बाद निकाल लिया गया था। लेकिन अब जबकि युद्धपोत को डूबे एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो रूस खुद को हुए नुकसान की बात कबूल रहा है। दरअसल ये युद्धपोत रूस की एक ऐसी ताकत था जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के लिए तबाही का सबब बन रहा था। इसे समंदर में रूसी रक्षा बेड़े की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। यही वजह भी थी कि रूस दुनिया को यह नहीं बताना चाहता था कि यूक्रेन के साथ जंग में उसने अपने सबसे भरोसेमंद युद्धपोत को खो दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी का आज पहला जम्मू कश्मीर दौरा। जम्मू के सांबा में 20,000 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे शुरू होगा मन की बात का संस्करण। प्रधानमंत्री मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, आज शाम मुंबई में पीएम मोदी को पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। तक नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन रूस का कब्जा कर अगर मोल्डोवा पर हुआ तो नेटो के लिए सब्र से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। वहीं यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के बीच रूस के दो बेहद अहम ठिकानों में भीषण आग लगने के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक जताया जा रहा। रूस के इन दोनों ठिकानों में एक दिन पहले आग लगी थी, जिनमें पहला रूस के त्वेर शहर में बना एक रक्षा अनुसंधान केंद्र है जो मॉस्को से करीब 180 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि अचानक उसकी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद वहां से आई तस्वीरों में रिसर्च सेंटर की पूरी इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। तेज लपटें खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकलती दिखी। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की गाड़ियों के साथ हेलीकॉप्टर को भी उसे बुझाने के लिए लगाया गया। वहां लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। और जिस रिसर्च सेंटर में आग लगी वहां जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जाती हैं। यही नहीं, इसी रिसर्च सेंटर में यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल की जा रही इस्कंदर मिसाइलें भी बनाई जाती हैं। इसलिए इतने अहम ठिकाने पर आग लगना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा। लेकिन ये तो उसके लिए पहला झटका था, क्योंकि एक ही दिन में रूस का एक दूसरा अहम ठिकाना भी आग की भेंट चढ़ गया। यूक्रेन की सीमा से करीब 1000 किलोमीटर दूर किनेश्मा शहर में बना दिमित्रिस्की केमिकल प्लांट आग लगने से तबाह हो गया। रूस के इस सबसे बड़े केमिकल प्लांट से मिसाइलों के लिए ईंधन सप्लाई किया जाता था। यानी त्वेर का रिसर्च सेंटर और ये केमिकल प्लांट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो एक ही दिन में आग की चपेट में आ गए। और दोनों ही जगहों पर आग कैसे लगी इसकी कोई वजह रूस की तरफ से अब तक नहीं बताई गई। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि रूस के इन दोनों अहम ठिकानों की तबाही के पीछे कहीं यूक्रेन तो नहीं, जिस पर रूस ने चुप्पी साधी हुई है। उधर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद खार्किव में यूक्रेन की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। वहां कई इलाकों में पुतिन की फौज लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ये सारे हमले जेलेंस्की की सेना को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं, और यूक्रेन भी रूसी सेना को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक एक ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार करते दिखे, जिसके लिए पहले एक जवान ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर रॉकेट लॉन्चर को लॉक किया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरा जवान गाड़ी पर चढ़ा और फिर देखते ही देखते वहां रॉकेटों की बौछार शुरू हो गई। एक के बाद एक आग उगलते इन रॉकेटों ने आसमान को चीरते हुए अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरना शुरू कर दिया, और काफी देर तक पूरे इलाके में उनकी तेज आवाज गूंजती रही। वहीं यूक्रेन ने जंग के बीच अपने सैनिकों के जश्न मनाने का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई शहरों की तस्वीरें दिखाई गईं, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते नजर आए। और इसके साथ ही यूक्रेन के सैनिक जश्न मनाते भी दिखाई दिए। इस वीडियो में दिखा कि एक जगह यूक्रेन का झंडा गाड़ने के बाद उसके सैनिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके बाद उसके कुछ सैनिक एक दूसरे इलाके में सड़क पर डांस करते नजर आए। वहीं कुछ ने तो बड़े बड़े हथियार अपने कंधों पर लेकर मस्ती भी की। यही नहीं, कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिक बच्चों के पार्क में भी पहुंच गए, जहां उन्होंने झूलों का मजा लिया।
जश्न की इन तस्वीरों के साथ ही जेलेंस्की की सेना की ताकत भी इस वीडियो में दिखाई गई कि कैसे रूसी सैनिकों को मारा गया और कई जगहों पर उन्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर भी किया गया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर मिसाइलों से कई हमले कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक सड़क पर कुछ टैंक आग की लपटों के बीच घिरे नजर आए। देखते ही देखते एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने आसमान से चुन चुन कर रूसी टैंकों को ध्वस्त किया। सड़क पर लगातार हो रहे धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। विस्फोट इतने जोरदार थे कि चंद मिनटों में पूरा आसमान धुएं से भर गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ टैंक जंग के मैदान में आगे बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते एक मिसाइल गिरी और उनके परखचे उड़ गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जंगल के बीच जेड निशान वाले टैंकों का एक काफिला भी नजर आया जिनमें कुछ टैंक जलते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके इस हमले से रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के बेलग्रद शहर के गांव में पुतिन के टैंकों की कब्रगाह ढूंढ निकाली और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन ने सबके सामने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी पेश की जिनके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि रूस के बेलग्रद शहर के जिस गांव में तबाह हो चुके रूसी टैंक उसे मिले वहां जंग से पहले कुछ नहीं हुआ करता था। यूक्रेन का दावा है कि उसके जासूसी ड्रोन ने इस जगह का पता लगाया जिसके जरिए उसे ये पता लग सका कि दुश्मन का इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने खुद को दुनिया के सामने साबित करने के लिए दो तस्वीरें सबके सामने रखी जिनमें एक को उसने जंग से पहले की बताया और दूसरी तस्वीर को युद्ध छिड़ने के बाद 17 मार्च की। दोनों में फर्क ये दिखा कि पहली तस्वीर में गांव की जमीन का वो हिस्सा खाली दिखा जबकि दूसरी में रूस की कई सैन्य गाड़ियां वहां खड़ी नजर आईं और वो भी जर्जर हालत में। यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं जिनमें 17 टैंक हैं। वो भी जर्जर हालत में यूक्रेन ने दावा किया कि वहां रूस की फौज की जली हुई 57 गाड़ियां खड़ी हैं जिनमें 17 टैंक हैं। इसलिए उस जगह को यूक्रेन ने पुतिन के टैंकों की कब्रगाह बना दिया। कहा जा रहा है कि उनमें कई मार्च के आखिर में यूक्रेन के सुमे शहर में रूस के धावा बोलने के बाद लौटी हैं। यूक्रेन के खुफिया विभाग का कहना है कि रूसी सेना के वो टैंक वहां इसलिए खड़े किए गए क्योंकि वो अब पुतिन के काम के नहीं, उनकी अब मरम्मत नहीं हो सकती है और उन्हें फिर से जंग के मैदान में नहीं उतारा जा सकता है। वहीं मारियोपोल में जंग हारने के बाद यूक्रेन के जवान खार्किव में डट गए। पिछले 1.5 महीने में वहां रूसी सेना के हमलों ने पूरे शहर का नक्शा बदल कर रख दिया, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और वो पुतिन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए। इस दौरान ये जवान वहां की एक बिल्डिंग में छिपे अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए टैंक से गोलों की बारिश करते नजर आए। ऐसा कर उन्होंने इस सरकारी इमारत को आजाद करवा लिया। मगर वहां हुए हमलों से उस इमारत का हुलिया पूरी तरह बदला नजर आया। हालांकि बाहर से तो वो ठीक ठाक ही नजर आई, लेकिन जब यूक्रेन के सैनिक उसके अंदर पहुंचे तो उन्हें जगह जगह तबाही के निशान दिखे। ऐसे में इन जवानों को मलबे के ढेर से ही आगे बढ़ना पड़ा। बताया गया कि इस बिल्डिंग में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हुआ करते थे, लेकिन पुतिन की सेना ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से सब तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, वहां कई गाड़ियां भी गोलाबारी से कबाड़ के ढेर में बदली दिखी। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के डबल गेम का पर्दाफाश हुआ है। और रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर खेरसोन में रूस के 2 जनरल मारे गए हैं और यूक्रेन के हमले में रूसी जनरल की मौत भी हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए खेरसोन का इलाका। ये भी बताया जा रहा है कि इस पर पहले रूसी कब्जा था, लेकिन अब एक बार फिर से यूक्रेन ने इस पर रूसी सेना को खदेड़ कर अपना कब्जा जमा लिया है।